आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी होम मेकिंग को इजी बनाएगा और साथ ही साथ आपकी टाइम एंड एनर्जी को भी बचाएगा। तो चलिए वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स है देखते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हमारी एवरीडे नीड्स को फुलफिल करता है। हमें डेली इस चीज़ की ज़रूरत बहुत होती है। ये एक स्टेनलेस स्टील हैंड स्क्वीज़र है, काफ़ी हैवी ड्यूटी का है और ये मैन्युअली वर्क करता है। इसमें आप अपनी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को बिल्कुल स्क्वीज कर सकते हैं अच्छे से। अगर आपने कभी बच्चों को कोई जूस देना है बनाकर तो दे सकते हैं, या फिर बच्चों के लिए वेजिटेबल जूस निकालना है, कुछ भी आपको करना है आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको मूली करके दिखा रही हूँ स्क्वीज। और मोस्टली ऐसा होता है ना, हम लोगों को मूली के पराठे तो बहुत खाना पसंद होता है, पर जब बात आती है उसको स्क्वीज करने की तो हम सोचते हैं कि कोई हमारी इसमें हेल्प ही कर दे, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है उसको निचोड़ने में। सारी वेजिटेबल्स को, मूली को इसमें डाल दो और इसको थोड़ा सा मैन्युअली आपने प्रेशर देना पड़ता है, तो उसके बाद सारा जो भी वाटर होता है वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाता है। थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं बट ये मस्ट गो प्रोडक्ट है। और आप इससे फ्रूट जूस भी निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हमें आलस आता है कि थोड़ा सा जूस हमें बच्चे को देना है और हमें उसके लिए मिक्सर ग्राइंडर यूज करना पड़ता है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मिक्सर ग्राइंडर आप इस स्क्वीजर को यूज कर सकते हैं और ये अच्छे से सारा एक्सेस वाटर, आपका जूस बिल्कुल अच्छे से निकाल देता है। ये देखो मैंने यहाँ पर मूली को अच्छे से स्क्वीज कर लिया है। अदरवाइज हम लोग कपड़े का यूज करते हैं या फिर हाथों का यूज करते हैं, जिससे कई बार हाथों में जलन भी हो जाती है, तो मैंने इसको परफेक्टली निचोड़ लिया है और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, तो आप जरूर इसको परचेज कर सकते हैं और अपना टाइम एंड एनर्जी सेव कर सकते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट है मेरा ग्लेनका इलेक्ट्रिक चॉपर। वैसे तो मोस्टली हम सबके ही घरों में मैनुअल चॉपर यूज़ होते हैं, लेकिन इसके अपने ही कुछ कॉन्स होते हैं, जैसे कि विद द टाइम इसकी जो स्ट्रिंग है वो ख़राब हो जाती है, जैसे आप मेरे चॉपर की देख रहे हो। दूसरा, इसका जो कंटेनर साइज है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लेन, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जी चॉप करनी है तो फिर आपको इलेक्ट्रिक चॉपर की ही ज़रूरत पड़ती है। मैनुअली अगर आप करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। दूसरा, इसका जो ब्लेड होता है मैनुअल का वो सिर्फ दो ब्लेड होते हैं, वहीं आपको इलेक्ट्रिक चॉपर में चार ब्लेड मिलते हैं, यानी वो सब्जियों को जल्दी ही कट कर देता है और दूसरा बहुत फाइन करता है। और अगर मैं बात करूँ इसके लिड की, तो जैसे ही सब्जी इसके कॉन्टैक्ट में आती है तो हमें इसे क्लीन करना पड़ता है, जिस वजह से हमारी स्ट्रिंग में पानी चला जाता है और वो ख़राब होने लग जाती है। वहीं इलेक्ट्रिक चॉपर में इसमें लिड लगी होती है अलग से, जो सब्जियों को मोटर के कॉन्टैक्ट में ही नहीं आने देती है, जिस वजह से मोटर को क्लीन भी नहीं करना पड़ता है और उसके ख़राब होने के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं सब्जी चॉप करके दिखाऊंगी। आप कोई भी सब्जी, कोई भी फ्रूट इसमें ईजिली चॉप कर सकते हैं। और आजकल के टाइम में हम लोगों के पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम एक एक दो दो घंटे किचन के कामों को दे दें। हम सब आज के टाइम में सोचते हैं कि हमारा काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ऑल्सो कि हम वर्किंग मॉम्स भी होती हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। और ये इंडियन ब्रांड है इसलिए मैं यहाँ पर यूनिवर्सल अडेप्टर यूज़ कर रही हूँ। और देखो कितनी क्विकली ये सब्जियों को चॉप कर देता है। बहुत सारे वेजिटेबल्स भी अगर आप लोगे तो वो एक या दो पंप में आपके बहुत अच्छे से चॉप कर देती हैं सब्जियां। यहाँ मैंने आपको कैरेट कट करके दिखाई है, अब मैं आपको अनियन भी यहाँ पर कट करके दिखा लेती हूँ। सब्जियों की क्वांटिटी मैंने यहाँ कम रखी है क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक डेमो दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आप बहुत सारी सब्जियाँ कट करना चाहते हैं, जैसे आपके घर में कभी मेहमान आ जाते हैं और आपको बहुत जल्दी उनको फाइन चॉप करना है, आप उसे मिक्सर में नहीं करते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये इंडियन ब्रांड ही है और आप इसे अमेज़ोन से या कहीं से भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। वाटर ब्लॉकेज तो हमारे इंडियन घरों की कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे सिंक में, किचन पाइप्स में, हमारे बाथरूम टॉयलेट में और हमारे फ्लोर ड्रेन में ये ब्लॉकेज हो जाती है। हमें इसे कितना भी क्लीन करें हम घर में नहीं कर पाते हैं, फिर हमें उसके लिए प्लम्बर को बनाना पड़ता है और काफ़ी अच्छे चार्ज भी हमें उसके करने पड़ते हैं। मार्केट में कुछ ड्रेनेज पाउच भी आते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, बट वो इतना वर्क नहीं कर पाते हैं और मैंने इतनी मेहनत की तब जाके सिर्फ ये पानी एक घंटे में इतना रिड्यूस हुआ है। तो जब ये अच्छे से पानी क्लीन हो जाएगा उसके बाद मैं ये पाइप क्लीन लिक्विड डालूंगी, लगभग एक ग्लास के जितना इसको डालना है और ये 5 मिनट में ही असर दिखा देता है, बट इसको फिर भी आपने ओवरनाइट रखना होता है। तो रात को मैंने ये ड्रेन ब्लॉकेज पाइप डाला है इसमें और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने पूरे किचन क्लीन करी है और उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट।
ये बिल्कुल क्लीन है, पानी कहीं भी रुक नहीं रहा है और मैं इसको बाथरूम वगैरह में हर जगह यूज़ करती हूँ और मुझे कहीं पर भी एक बार भी प्लम्बर को बुलाने की ज़रूरत नहीं हुई है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है और हमारे इंडियन घरों में हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। फोर्थ प्रोडक्ट है ये मेरा माइक्रोफाइबर डस्टर जो कि मल्टी फंक्शनल है और इसके फंक्शंस आगे बताऊंगी। फर्स्ट इसका फंक्शन है कि ये आपके सरफेस को पूरा क्लीन करता है, आप इसे झाड़ू की तरह यूज़ कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हो जाता है जिससे आपके फ्लोर पे डस्ट और जो बाल पड़े होते हैं वो इस पर बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो आपके घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, कहीं पर भी कोई भी पार्टिकल्स और बाल नहीं दिखते हैं। दूसरा, ये इस तरीके से मूव हो जाता है, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं। अब जैसे आपको सोफ़ा या बेड के नीचे से क्लीनिंग करनी होती है तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में और ये इजीली आपके नीचे जो भी कूड़ा होता है या फिर कोई सामान चला जाता है तो उसको निकाल सकता है। अब आप लोग सोचोगे कि ये काम तो झाड़ू भी इजीली कर सकती है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया ये मल्टी फंक्शनल है, तो इसका जो सेकेंड फंक्शन है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फर्स्ट ये हो गया कि आप इससे अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं, इवन दो जो आपके सोफे के साइड की जो नैरो जगह होती है, बेड के साइड की जो नैरो जगह होती है, ये उसको भी इजिली क्लीन करता है। अब बात करते हैं इसके सेकेंड फंक्शन की। इसका सेकंड फंक्शन ये है कि ये आपके डस्टर के साथ साथ मोपिंग का भी काम करता है, यानी कि एक पूरा पैड होता है जो आपका अच्छे से अटैच एंड डिटैच हो जाता है। इसके नीचे यहाँ पर वेलक्रो लगी होती है जिसपे ये पेस्ट हो जाता है, उसके बाद आप इससे मोपिंग भी कर सकते हैं और बिल्कुल आपके फ्लोर को अच्छे से मोप करता है। और जो आपके घरों के नैरो एरियाज होते हैं जैसे बेड के पीछे का या सोफे के या टेबल के पीछे के एरियाज को, वहां पर भी अच्छे से मोपिंग कर देता है जहां पर आपके दूसरे मोप नहीं जा पाते हैं। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। एंड इवन अगर आप अपने वॉल्स को क्लीन करना चाहते हो, वहां पर डस्ट हो जाती है, तो उसको भी ये इजिली क्लीन कर लेता है। अब जो मैं लास्ट प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये पिंक स्टफ। ये एक लाइफ सेवर प्रोडक्ट है, आपके किचन काउंटर टॉप को क्लीन करना हो, आपके गैस स्टोव को क्लीन करना हो या फिर किसी भी हार्ड स्टेन को क्लीन करना हो तो पिंक स्टफ बहुत यूजफुल होता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको चिमनी क्लीन करके दिखा रही हूँ। चिमनी को क्लीन करना बहुत टफ काम होता है, हम पता नहीं पानी गर्म करते हैं, कहीं डिप करते हैं, पता नहीं क्या क्या हम उसके लिए यूज करते हैं। बस पिंक स्टफ को आप इसके ऊपर रब करो और आपको कोई छोड़ना भी नहीं है, इसको बस रब करते रहो और बहुत इजीली जो भी ग्रीस इस पे लगी होती है वो रिमूव हो जाती है। जो सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे अमेज़न पे अवेलेबल हैं और इनकी प्राइस भी कोई ज्यादा नहीं होते हैं। ये सारे प्रोडक्ट आपके स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग में बहुत काम आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।